हेलो एवरीवन, ये पार्ट टू है द कोल्ड वॉर एरा का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या एनवायरनमेंट फैला हुआ था पूरी दुनिया में। ऐसे कौन से क्राइसिस हो रहे थे पूरे वर्ल्ड में जिसकी वजह से यूएस और यूएसएसआर को तीन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करने पड़े 1960s में। तो जो पहला था वो था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका जो है लिमिटेड टेस्ट करेंगे, बहुत कम से कम उसका टेस्ट करेंगे ताकि पूरी दुनिया को इसका, बाकी जो आसपास की जगह उनको नुकसान ना हो। सेकेंड, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज उसका नहीं करेंगे। सेकेंड, थर्ड, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनका भी हम यूज़ नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि हज़ार हज़ार किलोमीटर तक न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करके ले जा सकती हैं और दूसरी कंट्री पर छोड़ सकते हैं, जिससे दूसरी कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाए। तो ऐसी मिसाइल्स का हम यूज़ नहीं करेंगे, ऐसी ट्रीटी हम यूएस और यूएसएसआर ने करी थी। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंज टू बायपोलैरिटी, यानी बायपोलैरिटी जब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही कंट्रीज का राज था, यूएस और यूएसएसआर का, तो इसके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे बहुत सारी कंट्री के लिए। तो वो कुछ कंट्रीज नैम में आ गई थी जो ना यूएस में जाना चाहती थी ना यूएसएसआर में। तो जो फाउंडिंग फिगर्स थे वो कौन थे, जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, गामिल अब्दुल नासिर ऑफ इजिप्ट, सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया और क्वाने एनक्रुमा ऑफ घाना। ये सब जो लोग थे ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग फिगर्स थे, फाउंडिंग मेंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट नैम समिट जो था वो बेलग्रेड में हुआ 1961 में, जो 25 मेंबर्स द्वारा अटेंड किया गया। इसके बाद आपकी फोर्टीन मीटिंग जो होती है वो होती है हवाना में 2006 में। अगर आपसे पूछा जाए कि लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी तो आप बोलोगे वेनेजुएला में, जिसमें 120 मेंबर कंट्रीज आई थी और 17 ऑब्जर्वर्स थे। अब नाम का मतलब आइसोलेशनिज्म बिल्कुल नहीं है। आइसोलेशनिज्म का मतलब ये हो गया कि हमें वर्ल्ड अफेयर से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी कंट्री में खुश हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में क्या होता रहे। तो नाम आइसोलेशनिज्म नहीं था, क्योंकि नाम की कंट्रीज को फर्क पड़ता था वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में। और न्यूट्रलिटी भी नहीं था इसका मतलब, कि न्यूट्रलिटी मतलब वो कि जिनको वॉर से कोई मतलब नहीं है, लड़ाई से, लड़ाई होती रहे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन नहीं, नाम जो था नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, उसमें जो इंडिया था वो इन इश्यूज को रिजॉल्व कराना चाहता था। उसके बाद एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पास होता है नैम कंट्रीज़ के लिए। नैम कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर कंट्रीज थी वो LDCs थी, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इनके लिए एक रिपोर्ट पास की गई UNCTAD द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उस रिपोर्ट का नाम रखा गया टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी, यानी कि एक नया ट्रेड की पॉलिसी, उसका नाम रखा गया। और उसमें कुछ नए रिफॉर्म्स थे, यानी कि कुछ चेंजेस आए हुए, जैसे कि गिव LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। LDCs को कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो खुद उनका यूज़ करें, ना कि कोई बाहर वाला आके उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद करे। और दूसरा क्या था, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से जो LDCs टेक्नोलॉजी खरीदते हैं उसकी कॉस्ट कम से कम करी जाए। इसके बाद इन मिड 1970s में जो नैम था वो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया, क्योंकि काफ़ी सारे इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्रीज़ में, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया में क्या क्या, इंडिया के साथ क्या क्या हो रहा था, इंडिया के क्या रोल थे। इंडिया की पॉलिसी ना तो नेगेटिव थी ना ही पॉजिटिव थी, वो पॉजिटिवली इन्वॉल्व था वर्ल्ड अफेयर्स में, यानी कि हर कदम पे एक्टिव था कि किसी ना किसी तरह कोल्ड वॉर की जो दुश्मनी है उसको सॉफ्ट कराया जाए, यानी कि शांत कराया जाए इन लोगों को। नॉन अलाइन्ड पोजीशन जो थी इंडिया की, उसने इंडिया की दो तरीके से मदद करी, यानी कि वो नॉन अलाइन्ड था तो इससे इंडिया को भी फ़ायदा हुआ। पहला कि इंडिया जो है वो अपना इंटरनेशनल डिसीजंस खुद ले पा रहा था, ये नहीं कि कोई सुपर पावर आके, यूएस और यूएसएसआर आके उसके लिए डिसीजन ले रही, नहीं। दूसरा, इंडिया वाज एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर, ठीक है, बैलेंस करके चल रही थी वो। यानी कि अगर देखो यूएस मुझे बुलाता है तो मैं यूएस को मना ना कर पाऊँ और पूरी तरीके से मैं यूएस के साथ भी ना हो जाऊँ, और कल को मुझे यूएसएसआर ने कोई हेल्प मांगी तो मैं उसके साथ यानी रशिया के साथ भी अपना दोस्ती निभा के चलूँ और
दोस्ती निभाते निभाते यूएस से ना तोड़ दूँ, यानी कि बैलेंस बना के चल रहा था। ना इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नाम को ना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि जो इंडिया है तुम नाम में तो आगे लेकिन तुम क्यों आए, क्यों, क्योंकि तुम मतलब तुम लोग अनप्रिंसिपल्ड हो। इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट वॉज अनप्रिंसिपल्ड, तुमने कोई रूल फॉलो नहीं करा, तुम कुछ भी कर रहे हो। हैविंग क्रिटिस दूसरा क्या था, हैविंग क्रिटिसाइज अदर्स वॉज फॉर ज्वाइनिंग अलाइंसेज। काफ़ी सारे स्कॉलर्स इंडिया को बोलने लगे तुम अलाइंसेस खुद ज्वाइन करना चाहते हो इसलिए तुम दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो जो इंडिया वाले हैं वो बोलते हैं कि हमने इसीलिए अलायंस ज्वाइन किया। पहली बात तो हमने अलायंस ज्वाइन नहीं किया, हम लोगों ने रशिया से बस हेल्प मांगी थी यूएसएसआर से मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। क्यों, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश की हेल्प करना चाहते थे। बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था क्योंकि उस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान में आता था, तो हम लोगों को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाना था। उसकी वजह से हमने रशिया से डिप्लोमेटिक मामलों में हेल्प मांगी थी और मिलिट्री अपने जो रिलेशन थे वो स्ट्रांग गए थे ताकि कल को हमारा कोई वॉर होता है तो हम पाकिस्तानी को हरा सके और बांग्लादेश को आज़ाद करवा सके। तो इंडिया वालों ने कहा कि ये हमारा सब मोटो था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम कोई अलायंस ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट था आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, यानी कि आर्म्स का कम से कम यूज़ हो, जो हमने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ ली है। उसकी कुछ संधि थी, पहली LTBT यानी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो कि US UK USSR द्वारा साइन की जाती है 5 अगस्त 1963 को, लेकिन ये इफेक्ट में कब आती है, 10 अक्टूबर 1963 को। LTBT का मतलब ही वही है कि हम जो भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसका टेस्ट कम से कम करेंगे, ना ही अंडर वाटर करेंगे और ना ही ग्राउंड लेवल पर करेंगे, बहुत कम से कम करेंगे ताकि आसपास वाले जो क्षेत्र हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। सेकंड थी हमारी NPT, नॉन प्रोलिफ्रेशन ट्रीटी, वही चीज़, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का रैपिड इंक्रीज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं बढ़ाएंगे। जो न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री है सिर्फ वही उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरी कंट्रीज को एक्वायर नहीं कर सकती। स्टॉप अदर फ्रॉम एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, साइन की गई थी ये 1 जुलाई 1968 को और इफेक्ट में कब आई, 5 मार्च 1970 को। थर्ड है हमारी सॉल्ट वन यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, इसका मतलब है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, साइन ये US ने करी थी 1972 में और USSR ने करी थी 1979 में। ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या है, मतलब स्ट्रैटेजिक आर्म्स, मतलब ये वो वाले आर्म्स हैं यानी कि जो कि हम दूसरी कंट्री को उड़ाने में लगाते हैं, यानी कि अपने वॉर वगैरह में नहीं लगाते हम वो। ठीक है, सॉल्ट टू अब आई, वो भी ऑफेंसिव आर्म्स के लिए थी, यानी कि जो हानिकारक आर्म्स होते हैं उनका यूज़ हम कम से कम करेंगे और ये 16 जून 1979 को वियना में साइन की गई। फिफ्थ हमारी स्टार्ट टू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक और ऑफेंसिव आर्म्स जो हैं उनका कम से कम, उनका रिडक्शन रिड्यूस करेंगे, उनका कम से कम यूज़ करेंगे, जो हम दूसरी कंट्री को उड़ाने में, जैसे कि US ने जापान में जैसे बम गिराए थे, हम वैसा काम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, US और USSR ने 31 जुलाई को ये साइन करी 1991 को और वैसे ही सेम थी स्टार्ट टू, जो कि जो भी US और USSR ने ही साइन करी थी 3 जनवरी 1993 को। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, और बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई इस इजी मेथड में तो प्लीज़ इसको शेयर करना। ओके, बाय बाय।